अब एक और चीज़ जो प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक मॉडल्स के अंदर, उसमें क्या है कि जैसे ये है मेरा, मैंने ये तो बना दिया, अब ये एग्जाम्पल जो सब चीज़ें बताया उसका एग्जाम्पल वो सब यूज़ करके ये पूरा बनाया हुआ है, प्लस एक और टूल मैंने यूज़ किया था फॉलो। तो ये क्या किया था मैंने, एक लाइन लिया द फॉलो मी का, मैं पहले बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ये एक आर के या कोई भी शेप है, फॉलो मी के लिए ज़रूरी नहीं है आर को, कोई भी शेप हो सकती है, और मुझे इसके अलावा कोई वॉल बनानी है जो कि कर्व्ड हो, वॉल या कोई भी पैटर्न, वो वॉल की कोई भी शेप हो सकती है। जैसे इस केस में जो वॉल का सेक्शन है अगर देखूँ तो ऐसा कुछ शेप था कि ये एक लेवल है, फिर एक ये एक लेवल है, फिर ये है, फिर ये वापस बाहर है, तो ये एक फॉर्म था जो मुझे चाहिए था इस कर्व के अलावा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे ये मेरा फॉर्म है और मेरा जो मुझे शेप चाहिए इस कर्व के अलोंग वो है ऐसा कुछ। कुछ भी शेप हो सकता है, मैं अभी ऐसे कुछ भी बना रहा हूँ, शेप कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर शेप ही हो। तो मैंने रेगुलर शेप बनाया कि रेक्टेंगल यूज़ करके, बट ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर ही हो। तो मान लो ये कोई भी शेप है जो मुझे चाहिए, तो उसके एक चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बीच में से क्लीन पूरा होना चाहिए, तो मुझे कोई भी लाइंस जो लेवल्स के सेंटर में चाहिए यहाँ पे चाहिए, तो वो लेवल्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, वो बताता हूँ कैसे होंगे। अब इसको मैंने रोटेट कर लिया है, रोटेट यूज़ करके, रोटेट टूल आता है क्यू से हमारा, और इस रोटेट टूल को भी हम एक्सिस पे लॉक कर सकते हैं, अप एरो या डाउन एरो कोई भी यूज़ करके। तो मैंने ग्रीन एक्सिस में इसको लॉक कर लिया है लेफ्ट एरो से, ताकि मैं इसको ऊपर कर सकूँ। अब मैंने ये कर दिया यहाँ पे, और इसको मैं इधर, ठीक है। अब मुझे इसको इस पाथ के अलोंग चाहिए, मुझे ऐसा वॉल चाहिए जिसका शेप ऐसा और इस पाथ के अलोंग, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा इस लाइन को, इस पाथ को, इस फॉर्म को सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद फॉलो मी टूल पे जाऊँगा, जो टूल्स में जाके आपका फॉलो मी गया, फॉलो इसको क्लिक किया और इस पर डबल क्लिक कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, सॉरी वापस बताता हूँ, इस लाइन को जो पाथ है जिस पे चाहिए उसको सेलेक्ट करो, टूल्स में जाओ, फॉलो मी पे जाओ, और जो फॉर्म है हमारा उस पर डबल क्लिक कर दो। अब क्योंकि अब ये मेरा इस पाथ से दूर है तो वो ऐसा डिवाइडेड आ गया था। अब मैं अगर इसको इसके एग्जैक्ट अटैच रख देता हूँ, ये तो क्या हुआ, ये बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे आएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये जो फॉर्म है मेरा इस साइड भी ऐसा हो उस साइड भी ऐसा हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर से अलाइन करूँगा। अगर मैं इस एज से अलाइन करूँगा तो इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा, मैं बताता हूँ क्या क्या होगा, एक बार दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ और उसके बाद मैं फॉलो में यूज़ कर लूँगा, मैं टूल्स में गया, इसको सेलेक्ट कर लो, टूल्स में जाओ, फॉलो में जाओ और इस पर डबल क्लिक कर दो, तो क्या होता है ये इसके इनर एज पे बना देगा इसको। तो जो एग्जैक्ट आपको डायमेंशन चाहिए थे इसके, क्योंकि वो सेंटर लाइन थी मान लो जो मैंने कर्व बनाया, अब वो नहीं आएंगे क्योंकि ये छोटा हो गया उससे, और यही अगर मैं इसको इस साइड ले जाता वो बड़ा हो जाता उससे। तो अगर मुझे एग्जैक्ट वही चाहिए कि मेरा बराबर आए दोनों साइड और जो मेरे डायमेंशन है वही आए, तो मैं इसको सेंटर से अलाइन करूँगा फॉर्म के, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, टूल्स पे जाऊँगा, फॉलो मी पे क्लिक करूँगा, इस पर डबल क्लिक कर दूँगा फॉर्म पे, तो ये क्या होगा, इसके सेंटर से आएगा, देख रहे हो ये लाइन का जो है सेंटर पे आ गया, तो आपका एग्जैक्ट जो फॉर्म चाहिए था आपको आ जाएगा। अब यही टेक्निक यूज़ करके मैंने ये बनाया है कर्व, ऑब्वियसली मैं कैड से लेके आया था और वो यूज़ किया, फिर उसके बाद ये शेप्स मैंने सब अलग से बनाए थे और इनको इंटरसेक्ट करके यहाँ से डिलीट करता गया और ऐड करता गया चीज़ों को, जो इंटरसेक्शन वगैरह मैंने आपको बताया उन सब चीज़ों से, ये बहुत ईजी है बनाना।
अब जो जो टूल्स मैंने आपको बताया, मैं एक बार रिपीट कर मैं एक बार बता देता हूँ मैंने वापस कि क्या क्या टूल्स बताए हैं। तो सबसे पहला टूल मैंने बताया था आपको कि ये जो कोई भी फॉर्म है मैंने उसके स्टेप्स बना लिए ऑफसेट लेके, और क्रिएट कंटूर से उसको ये स्टेप्स बना लिए, पूरे को सेलेक्ट कर लो और क्रिएट कंट्रोल से आप फॉर्म बना सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसी फॉर्म के अंदर आपको काम करना हो, जैसे ये फॉर्म है इसको सेम वही क्रिएट कंट्रोल करके बना। अब अगर मुझे इस फॉर्म है, ये मेरा कंटूर है, ये कोई कंटूर भी हो सकता है, ये रूफ फॉर्म भी हो सकता है, उसके ऊपर मुझे कोई पैटर्न चाहिए, कोई पाथवे चाहिए, तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन टूल यूज़ करते हैं, वो मैंने बताया, वो हम पैक करके आप देख सकते हो। फिर कि फ्रॉम स्क्रैच बनाना है कि सारा कंट्रोल आपके पास ही हो कि वो कितन किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम सैंडबॉक्स टूल का यूज़ करेंगे, जिसको हमें पहले ऑन करना पड़ेगा कि टूल व्यू में जाके, टूल बार में जाके सैंडबॉक्स टूल को आपको ऑन करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन है क्रिएट, क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच का ऑप्शन है, इसको आप बनाओ अपने ग्रिड के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए। उसके बाद जो स्लूव टूल है इसका आप यूज़ करना, आप इसके अंदर पहले ये हमेशा कंपोनेंट या ग्रुप बनेगा, तो हमें पहले उसके अंदर जाना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए, डबल क्लिक करो और आप उसके अंदर जाओ और स्लूव टूल यूज़ करके इसको कोई भी शेप फॉर्म दे सकते हो। अब इसमें क्या होगा, पूरा कंट्रोल आपके पास है कि आपको क्या फॉर्म देना है, कितना हाइट देना है, पूरा आप देख देख के कर सकते हो। और भी चीज़ें आप क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने, मेरे को ये पता है मेरी पिच इतनी है रूफ की या उस फॉर्म की, आर्क है मान लो, तो मैंने वो आर्क लेके आ गया, वो आर्क मैंने इधर बना दिया, इधर की पिच मुझे पता है कि लेंथ में कितनी है और विड्थ की मुझे पता है कि भाई मेरी विड्थ कितनी पिच है। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो वो शिफ्ट, मैंने हाइड रेस्टोर का मॉडल्स किया हुआ है, वो ज़रूरी नहीं है आपके में ऑप्शन होगा, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको क्या है वो चीज़। तो अब मेरे पास ये लाइंस आ गई कि हाँ भाई मेरी इतनी पिच होनी चाहिए और इतनी विड्थ में ये पिच जाएगी, ऐसे ये आपको पता है मान लो, तो अब इसके अकॉर्डिंग इनको आप यूज़ कर सकते हो और इसके साथ मूव करना शुरू कर सकते हो। मैं इस पर कि मैं इसके आस पास ले जाऊँ इसको, इसके हिसाब से आप पूरा, अब मेरे पास क्योंकि गाइड है, ये लाइन्स का गाइड है कि हाँ मुझे इतने इससे ज़्यादा हाइट नहीं जानी चाहिए इस, और इससे ज़्यादा विड्थ में इतनी हाइट का लेवल है, तो इस हिसाब से आप पूरा कर सकते हो इसको। मैंने तो ये पहाड़ सा बना दिया, पर टाइम लगेगा इसको, थोड़ा थोड़ा आपको देख के करना पड़ेगा, बट ये है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बट सैंडबॉक्स से फाइल एक्सट्रीमली लैगी हो जाती है, नहीं होती सैंडबॉक्स से, वो मैंने बताया ना तेरे को, सैंडबॉक्स से लैगी तब होती है जब हम अपने ट्रैक्स को क्लीन नहीं रखते हैं। जैसे अगर मैंने सैंडबॉक्स टूल से ये बनाया है, ये बनाया, मैं कितनी सारी चीज़ें बना सकता हूँ सैंडबॉक्स टूल से, ये बना दिया मैंने, ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये लीफ बनी हुई है, इसके अंदर ये बनी हुई है, मेरी फाइल को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सब सही चल रहा है। फाइल हैवी तब होती है जब आप ध्यान रखते हो कि आप क्या बना रहे हो, मान लो तूने फाइल तेरी कैड में बनाई हुई थी इंचज़ में, और यहाँ पे तूने ध्यान दिया कि तेरी फाइल इंचज़ में है या नहीं, या इंपोर्ट करते टाइम ध्यान नहीं दिया, और स्केल वो 10:1 के बजाय 10 टाइम्स बड़ा हो चुका है स्केचअप के अंदर जब तक आया, तब जाके फाइल्स हैवी होते हैं, जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आप एग्जैक्टली वही कॉपी वही लेके आ रहे हो स्केचअप के अंदर जो आपको चाहिए, वही डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन अगर एक्सप्लोड होगी तो सब ऑब्वियसली यह बात है कि आपके एजेस भी बढ़ेंगे, एजेस बढ़ेंगे तो स्केचअप फ्लो होगा ही होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें स्केचअप में वही लेके आना जिसके हमें ज़रूरत है, एक्स्ट्रा चीज़ें लेके ही नहीं आनी। तो मुझे भी अगर जैसे ये मेरा लेंथ वो था, कंटूर था या लैंडस्केप था, मुझे इसके अंदर अगर कुछ पाथवे बनाना था तो मैं पूरा प्लान नहीं लेके आऊँ कभी, मैं सिर्फ पाथवे लेके आऊँगा, या मैं अपने पूरा कभी भी स्केचअप मॉडल नहीं लेके आऊँगा यहाँ पे अपनी बिल्डिंग का, मैं सिर्फ उसके आउटर प्रोफाइल लेके आऊँगा ताकि इसमें कैविटी क्रिएट कर सकूँ, और उसके बाद मैं इस चीज़ को, जैसे मैंने अगर ये मेरा पाथवे था तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, और जो मेरा मुझे इसके साइड में चाहिए या कुछ चाहिए वो रख दूँगा, या फिर अगर मुझे डिलीट नहीं करना था साइड में बना तो वो बना दूँगा। और जब भी मैं कुछ भी इंटरसेक्ट करता हूँ, मान लो मैंने इसके साथ इंटरसेक्ट किया था या यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया था, तो हमेशा मैं एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें तुम छोड़ोगे अपने सीन के अंदर उतना ज़्यादा वो हैवी होता रहेगा। इस मॉडल को रीमेक कर रहा हूँ सर, कर्व रूफ है काफ़ी बड़ी, जिसको
सोप बबल से बनाया बना के मॉडिफाई किया था यूजिंग सैंडबॉक्स, दैट वाज अ हेल ऑफ अ। तो इतने सारे टूल्स यूज करोगे तो दिक्कत देगा ही ना यार। सोप टूल जो है और जो बबल टूल्स, इनकी तो बात कर रहा है। पहली बात तो मैं प्लगइन्स यूज करता नहीं, पर ये जो प्लगइन्स हैं इनका मुझे पता है, ये लोग ये जो भी प्लगइन्स हैं बहुत ज़्यादा एजेस क्रिएट कर देते हैं। जैसे ये इसके अंदर तो मैं क्लिक करूँगा तो ये सारी एजेस, ये इतनी सारी एजेस हैं सोप बबल के अंदर, तो इससे और भी बहुत ज़्यादा एजेस होते हैं। वो दुनिया भर के एजेस डाल देता है उसके अंदर और मॉडल को हैवी करते करते हैं। और जितने ज़्यादा प्लगइन्स तुम्हारे स्केचअप में इंस्टॉल्ड होंगे उतना ज़्यादा स्लो चलेगा तुम्हारा स्केचअप, ये कभी भी नोटिस कर लेना, क्योंकि इस प्लगइन को लोड होने में भी टाइम लगता है। तो जितने ज़्यादा प्लगइन तुमने इंस्टॉल कर रखे होंगे स्केचअप के ऊपर उतना ज़्यादा स्लो चलेगा वो, तो इसलिए मैं कभी कोई भी प्लगइन यूज़ ही नहीं करता। ये सर गॉट योर पॉइंट कि जो नीडेड है वो सिर्फ उसको इम्पोर्ट करें, बट हाउ डू वी स्टिच ऑल द मॉडल्स विदाउट लैगिंग प्रॉब्लम। नहीं, स्टिच करने का तो अब जैसे तूने जो ले आया है, अब स्टिच स्टिच किस सेंस में बोल रहा है तू? बट हाउ डू वी स्टिच ऑल द मॉडल्स, अगर इस सेंस में बोल रहा है कि अलग अलग रूफ अलग बनाया हुआ तूने, वो अलग बनाया हुआ फिर उसको लेके आना है, तो उसके लिए तो आपका ये ओरिजिन सेम होना चाहिए सबके अंदर, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल लोगो। और जो भी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर उसको एक वन बाय वन करके इम्पोर्ट कर लो। जैसे मैं लूमेन यूज़ करता हूँ तो उसमें तो ईजी रहता है इम्पोर्ट करना। अगर आप वीरे वगैरह यूज़ कर रहे हो तो लेयर्स में काम कर लो, ऑफ कर लो उस लेयर को, जब फिर रेंडर करना है तब ऑन करके रेंडर कर लो सिर्फ, तब लैग नहीं करेगा, सीन पहले ही क्रिएट कर लो, तो वो उस चीज़ में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। बाकी रही ये बातें तो कमाइंग ऑल द फाइल्स, हाँ तो वही बताया ना, जैसे मान ली मेरी ये रूफ अलग उसमें है, अलग उस फाइल में है, और मैं बता उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा कहाँ गया, अब ये जो है जो मैंने वो गेट दिखाया था उस प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं ये सारी, ये सब उसी प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं। मैंने इसकी साइट को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे ये पार्ट पार्ट वन है, ये टू है, ये थ्री है, इसका सब बनता है तो मैं दिखा दूँगा। जैसे पाथ पे भी मैंने अलग पॉइंट पे बनाया हुआ है। अब ये एक पार्ट है, ये साइट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, कम से कम 100-200 एकड़ की थी, कोई प्रोजेक्ट तो हमें किसी के लिए करना था, तो ये एक पार्ट है पूरी साइट का। और मैंने इसके अंदर ये एक मार्कर रखा हुआ है, अब ये मेरा सेंटर पॉइंट है और ये प्लस जो है मेरी हर फाइल में मैंने डाला हुआ है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग उनकी पोजिशन, जैसे मेरा यहाँ से कुछ गायब है तो उसकी जो फाइल होगी उसके अंदर वो यहीं पे होगा ऑब्जेक्ट, और ये प्लस का साइन वहाँ पे होगा हमेशा। जैसे अब ये मेरा एक पार्ट है उसी साइट का, तो ये साइट का पार्ट यहाँ पे है और इसका प्लस का ये मार्कर यहाँ पे है कि ओरिजिन के हिसाब से ही इसका मार्कर है, तो हर फाइल के अंदर यही एक चीज़ मेरी सेम रहेगी जो अगर मेरी एक प्रोजेक्ट की फाइल है। तो जब मुझे कंबाइन करना होगा इन सबको एक साथ, तो मुझे बस उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके रखना है। अब उस चीज़ के लिए क्या, ये तो मतलब रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के लिए, कि रेंडरिंग सॉफ्टवेयर में मुझे इसी पॉइंट पर लाकर रखना सब कुछ और सब अपने आप स्टिच हो जाएगा। अगर स्केचअप के अंदर ही स्टिच करना है तो स्केचअप के अंदर जो कंपोनेंट्स का ऑप्शन होता है ना, कंपोनेंट्स में गए, माय कलेक्शन कंपोनेंट्स, तो ये कंपोनेंट्स जो है, अब इसका फोल्डर होता है आपका सी ड्राइव में, उस सी ड्राइव में जाके तुम तो इस फाइल्स को कॉपी कर दो, जो भी तेरी प्रोजेक्ट की फाइल है। जैसे मैं कॉपी करके बताता हूँ तुझे, ये मेरा पार्ट वन को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके मैंने सी ड्राइव में जहाँ मेरा स्केचअप है उसके कंपोनेंट्स में मैंने डाल देना है इसको, स्केचअप 2019 कंपोनेंट्स 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 कंपोनेंट्स
तो यार यहाँ से भी ओपन होता है, सर एक कर्व्ड पिच बना के देखा जिसमें विदाउट सो बबल टूल न्यूट्रल हाउ टू गेट थिंग्स एंड विदाउट एक्सटेंशंस, वो मैं दिखाया था देखो, कर्व्ड पिच रूफ मैं एग्जांपल दिखा रहा था देखो उसका। ये जो है एक तरीके से ये कर्व्ड रूफ ही है ना। अब इसको बनाने के लिए तेरे को ये पता होना चाहिए, लॉस नेटवर्क जस्ट केम बैक। अच्छा, अब कर्व पिच रूफ बनाने के लिए, अब वो तेरे को जैसे ये एग्जांपल था एक स्क्रैच से बनाने के लिए कि मैंने डिवाइड्स बना दिए, इसको ये डिवाइड्स बना दिए ठीक, और ये पिच का जो तेरा जो भी तेरे कर्व पिच है उसका तेरे को सेक्शन तो पता ना कि हाइट क्या है। तो ये मेरा एक सेक्शन इस साइड का है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का पार्ट है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। इन दोनों लाइंस को मैं यहाँ पे लेके आ गया और इसको मैं व्यू टूल बार सैंडबॉक्स स्लो से मैं एडजस्ट करके पूरा इसको लेके आ सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। अब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट इसके अंदर जो एजेस बनेंगी ना तेरी वो लिमिटेड होंगी। अब इसके अंदर सिर्फ यही एजेस हैं जो तूने बनाई है, जितना सब डिवाइड तो नहीं किया उतने एजेस होंगे। सोवर बबल टूल की तरह नहीं कि कोई भी एजेस वो बनाता रहेगा जब तक जो उतना उसका मन करेगा, जो ज़रूरत भी ना हो तो वो भी बना देगा। तो ये इसके अंदर मैं बना सकता हूँ कोई भी शेप। जो शेप तेरे को चाहिए तेरी पिच रूफ की उसका तू बस सेक्शन डाल दे यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग इसको तो घुमाता रहे और करता रहे कि ये इसके उससे मैच हो जाए, बस तरह बन जाएगा जैसे मैंने ये बनाया है। अब ये लीफ फॉर्म भी मैंने ऐसे ही बनाया है, उसी से बैक करके देखा तो तेरे को पता चल जाएगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट इतना भी नहीं है। ये तो मुझे तो इसका एग्जैक्ट वो पता नहीं है कि मेरे को इतना डेप्थ डिवाइड रखना है, एग्जैक्ट पिच मेरे पास है नहीं क्योंकि मेरा डिज़ाइन नहीं है कोई पिच मूव का। अगर होता तो मैं बना लेता और वो बड़े जल्दी बन जाता है, ऐसा कोई इतना कोई टाइम कंज्यूमिंग है। अभी ये इसको बनाने में 5 से 10 मिनट लगे थे स्लीव को बनाने में, कोई इशू नहीं है मेरे भाई। तो ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें कवर कर ली हैं ऑर्गेनिक मॉडल की जो स्केचअप के अंदर बिना टूल्स के हम कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ जैसे आती है, जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ आपका पाथवे है, नहीं कर्व ऑर्गेनिक उसका ही पार्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक 4 के अंदर अलग चीज़ें हैं तो ये कोरिलेटेड है। जब अगर आप ऑर्गेनिक बना रहे हो तो आपके फाइल साइज थोड़ा बहुत हैवी हो जाता है और उसी के अंदर इंटरसेक्शन वगैरह सब आ जाता है और बहुत सारे टूल्स हैं जो इंटररिलेटेड है काफ़ी सारे टॉपिक्स के अंदर। तो एक और चीज़ जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक फॉर्म है, इसके अराउंड आपका कोई बिल्डिंग है जो रिपीटेटिव है कि यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, यहाँ पे अलग बिल्डिंग है, यहाँ पे अलग बिल्डिंग है, यहाँ पे अलग बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बिल्डिंग, पर ये सारी सेम है। अगर सारी सेम है तो क्या इजी तरीका हो सकता है इसको करने का। अब ये चीज़ अप्लाई बहुत जगह होती है, जैसे मैं अपना मॉडल दिखाता हूँ, मेरा थीसिस का मॉडल कहाँ गया, इसको मैं बंद कर थीसिस का मॉडल है मेरा। अब मेरा थीसिस का मॉडल है जो मेरा थीसिस का साइड भी पूरा कंटूर साइड था, तो ये भी कंटूर साइड था पूरा। तो मैंने पाथवेज को जो मैंने अभी पैक करके देख सकता हूँ, जो बताएंगे इंटरसेक्शन टूल यूज़ करके, ट्रेड यूज़ करके, ऐसा भी यूज़ करके पाथवेज पूरे इसमें बना के उसको पूरा हटा दिया था यहाँ से। और स्केचअप का जो मेरा मॉडल है और जो मेरा लैंडस्केपिंग पार्ट है ये सब है, ये मैंने अलग से बनाया हुआ था जिसको मैंने सिर्फ ला के यहाँ प्लेस कर दिया है, क्योंकि मैं इस सेंटर पॉइंट से जो कि मेरी दोनों फाइल में हमेशा रहता है, अगर मैं अलग अलग स्प्लिट करके कोई भी फाइल बनाता हूँ तो एक पॉइंट हमेशा कॉमन रहता है जिसके बेसिस पे मैं चीज़ों को रखता हूँ, मतलब मेरे सेंटर पॉइंट है। और यहाँ से जो जो मेरे कैड प्लान के अंदर जो लोकेशन होगी इनकी उस हिसाब से मैं उसको रखता हूँ हमेशा। तो मेरी कैड फाइल से ही मेरा काम स्टार्ट हो जाता है कि 3D में कैसे बनेगा। कैड फाइल के अंदर हमेशा मैं अगर मुझे पता है कि मेरी फाइल हैवी बनने वाली है तो मैं हमेशा एक पॉइंट रख लेता हूँ
जिसके रिस्पेक्ट में हर चीज़ डालता रहता हूँ। जस्ट रिमेंबर एनी वे टू स्टे स्टे थिंग ऑन एन इरेगुलर पाथ। स्टार मॉडल, स्टार मॉडल क्या है? अब इसके अंदर भी एक बहुत सारी चीज़ें मैंने की थी। ये शायद मेरा कंप्लीट मॉडल नहीं है। हाँ, ये वाला कंप्लीट मॉडल नहीं है। ये तो नहीं है फाइनल मॉडल, इतना मेरे को पता है मेरा, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक और चीज़ किया था। जो मेरा रूफ़ है, अगर मैं उसको पुश पुल करता हूँ तो दोनों डायरेक्शन में अपने आप ऐड हो जाता है, तो वो वाली रूफ मिसिंग है इसमें। 3D मॉडलिंग एंड इज इट दिस सेम? हाँ, ये 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है ब्रो। नंबर एनी वे टू स्टे थिंग्स ऑन अ रेगुलर पाथ। अरे एरे ऑन रेगुलर पाथ, उसी का तो मैंने बता रहा था अभी, मैं वही एक्सप्लेन करने वाला था। एरे इसमें भी नहीं है फाइनल मॉडल तो मेरा, तो चलो जो भी है, इसमें ये तो नहीं है मेरा फाइनल मॉडल। तो इसके अंदर सेम वही इंटरसेक्शन यूज़ करके मैंने अपने मॉडल को प्लेस किया था और ये सब हटा दिया था जिसमें से, तो मेरे सारे लेवल्स जो थे वो सब आ गए। अब मेन लेवल्स तो क्या है, जो बिल्डिंग फॉर्म आपकी होगी उसके अंदर तो कोई लेवल कभी भी नहीं होगा। उसके अंदर जो लेवल्स होंगे हमेशा फ्लैट होते हैं या माउंड होते हैं, जो कि आराम से क्रिएट करके डाले जा सकते हैं। जो अलग रहता है, पाथवेज की दिक्कत आती है कि पाथवेज कैसे बनेंगे, वो मैंने बता दिया आपको, ड्रेप करके बना सकते हो। पर बिल्डिंग प्लेस करने के लिए इंटरसेक्ट करो, उतना पार्ट हटा दो पूरा ताकि फाइल हैवी ना हो, और अपनी बिल्डिंग को अलग से बना के प्लेस कर दो जैसे मैंने यहाँ किया हुआ। और मैं बताता हूँ एरे का, जो एरे का था, अब उसके लिए कैड बहुत यूज़ आता है। अब मान लो मेरा ये वही पेंसिल टूल यूज़ करता हूँ मैं फ्री हैंड, ये मेरा पाथ है, इसके अलोंग मुझे एरे करना है। और वो एरे हम तभी करते हैं जब सिमिलर ऑब्जेक्ट होता है। ये बात है, एरे हम तभी करते हैं जब सिमिलर ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके स्केचअप के अंदर इसका कोई टूल नहीं है कि हम इसको एरे कर सकें, पर क्योंकि हम आर्किटेक्ट्स और हम कैड भी यूज़ करते हैं, कैड के अंदर इसका ज़रूर टूल है करने का। बना लेते हैं, कुछ भी पास है आपका, ये पाथ है, ये तरह पाथ है, इररेगुलर पाथ है, तो मैं कैड के अंदर ही इसको बना लिया मैंने। ये मेरा पाथ था, इसके अंदर मेरे को कुछ भी ऑब्जेक्ट एरे करना है। तो जो ऑब्जेक्ट एरे करना है मुझे, उसको तो पहले मान लिया रेक्टेंगल है, ये मुझे एरे करना है, इसको मैं एरे कर लूँगा कैड पे इसको, लेकिन मैं ब्लॉक बना लूँगा पहले। ब्लॉक बना के एरे कर लूँ। अब ब्लॉक बनाने का क्या फ़ायदा होता है, जो भी चीज़ आप कैड के अंदर ब्लॉक बनाते हो, स्केचअप के अंदर ऑटोमेटिकली कंपोनेंट बन जाती है। मैं इसको ले लेता हूँ एरे, मैंने सेम चीज़ सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने पाथ एरे कर लिया। पाथ एरे से क्या होगा, अब ये तो कंपोनेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, मतलब जो इसके कॉपी हैं यहाँ पे। अब इसको मैं ब्लॉक बना देता हूँ अलग से, डब्ल्यू ब्लॉक से डेस्कटॉप पे बना देता हूँ।
अपन सेम ग्रुप में थे नीना क्योर अंडरस्टूड द आइडिया, थीसिस की याद दिला दी पेट कर सी। तेरे को थोड़े समझ में आ गए विशाल, बट यही मैं समझाने वैसे भी वाला ही था, ये तो मुझे बताना ही था कि क्योंकि कर्व का एक ये मतलब कर्व ऑर्गेनिक मॉडलिंग में ये एक और चीज़ होती है कि आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखने हो तो कैसे करोगे। अब ये तो सिर्फ एक मतलब बिल्डिंग की बात होगी, पर अगर कर्व्ड बिल्डिंग है आपकी उसके अंदर डोर विंडो ऐड करने हो तब कैसे करोगे, तो भी ये ऐसे होता है भाई, ट्रामा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट, तो भी ये बड़ा यूज़ आता है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ये आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट, तो जस्ट कहलाऊंगी अब जो भी मेरा ये यहाँ पे प्लान था मैं उसको यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि ये ब्लॉक कंपोनेंट बना है और इसके अंदर मैं जो भी करूँगा वो बाकी सारी जगह हो गई, तो ये बन गया। अब यही चीज़ हम कैसे प्लान में यूज़ कर सकते हैं, मैंने अपने बिल्डिंग के इसके अंदर यूज़ किया हुआ है इसको थीसिस वाले के अंदर। एक बार मेरा फाइनल ऑर्डर शायद है नहीं, तो मैंने क्या किया था, ये मान लो ये मेरी बिल्डिंग की प्रोफाइल है और ये डोर विंडोज़ हैं, ये अभी फॉर्म नहीं है, ये डोर विंडोज़ हैं और मुझे इन डोर्स को प्लेस करना है, सारी पूरी बिल्डिंग के अंदर डोर्स प्लेस करना है जहाँ जहाँ पे भी डोर्स हैं। तो जैसे मेरी ये बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे मान लो डोर था, या यहाँ पे इंडोर है, यहाँ पे इंडोर है, तो मैं क्या करूँगा यही सेम प्रोफाइल प्लान के अंदर, क्योंकि मेरे डोर विंडो हमेशा कंपोनेंट बना के मैं कॉपी ब्लॉक बना के मैं कॉपी करता हूँ, तो कंपोनेंट बन जाएंगे स्केचअप में जब लेके आऊँगा। और ये मेरे अगर डोर विंडोज़ की डोर विंडोज़ हैं और ये मेरी बिल्डिंग प्रोफाइल है, तो मैं सिर्फ एक मुझे डोर के अंदर जाना है और इसके अंदर डोर क्रिएट कर देना है, ये मैंने मान लो डोर बना दिया के अंदर जाके, ये मैंने डोर बना लिया, ये डोर का कंपोनेंट प्लेस कर दिया है यहाँ पे, अभी तो मैं डोर बना रहा हूँ, डोर का कंपोनेंट भी प्लेस कर सकते हो। और ये मैं दिल ने बहुत कुछ विषय बना दिया सिर्फ समझाने के लिए, नो मेमोरीज ब्लॉक हो चुका है सब तो मेरा सब थीसिस ब्लॉक कर रहा था। तो ये मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया डोर डाल दिया कुछ भी डाल दिया, तो वो एग्जैक्टली वहाँ पे जहाँ पे हमें विंडोज़ या डोर चाहिए वहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक ब्लॉक के अंदर आपने डालना था सारी जगह पे आपके डोर विंडोज़ जहाँ जहाँ पे भी सेम होगा वो आ जाएगा, और स्केल भी इनफैक्ट अगर कहीं पे छोटा भी किया हुआ है तो वो अपने आप छोटा भी हो जाएगा। जूम क्लासेस चल रही है क्या इधर? अरे जूम क्लासेस नहीं है भाई, स्केचअप सॉफ्टवेयर है वो बता रहा हूँ मैं, उसकी क्लासेस है। तो ये चीज़ किसी, तो ये तो अगर वाइंड अप करते हैं हम कि कर्व में कैसे ऑर्गेनिक में कैसे काम